मैं सबसे पहले आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे जो मंत्री थे, वन विभाग को देख रहे थे, आज पुनः समाजवादी पार्टी में आप शामिल हो रहे हैं, आदरणीय दादा सिंह चौहान जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ उनके बड़ी संख्या में लोग आए हैं, साथ ही साथ उनके साथ बड़ी संख्या में लोगों को आना था, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए उतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आए और हम लोगों ने जानबूझ करके रोका कि इधर हम सब मिलकर के प्रोटोकॉल को मानेंगे, प्रोटोकॉल के जो नियम हैं उनको अपनाएंगे। लेकिन यहां जितने लोग बैठे हैं ये वो साथी हैं जो अपने आप में नेता है, न केवल अपने गांव के बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी प्रभाव छोड़ने वाली ये नेता है। मैं एक एक दारा सिंह चौहान जी के साथ आए हुए साथी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं इस लड़ाई में जो आप साथ देने आए हैं। कुछ लोगों के नाम मैं पढ़ सकता हूं, योगेंद्र चौहान जी हैं, शारदा प्रसाद चौहान जी हैं, मोहन चौहान जी हैं, ब्रजवान चौहान, बाघ सिंह चौहान, डीपी सिंह चौहान, अगेन प्रताप सिंह जी, उग्र सिंह चौहान, विभूति चौहान, विष्णु प्रताप चौहान, सुरेश राम, देवेंद्र चौहान, डॉक्टर सूरनाथ चौहान जी, रविंद्र गुप्ता जी, लालता चौहान, राम रफीक राजवा जी, रमेश चौहान जी, दुर्गेश सिंह चौहान, ईश दिनेश सिंह चौहान, लालता चौहान, संतोष चौहान, चतुर्भुज चौहान, राम भजन चौहान जी, राम प्रवेश चौहान, ब्रजमोहन चौहान, राजेश चौहान जी के साथ साथ और भी नाम है जो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं कहूंगा उन सभी नामों को पार्टी की सूची में शामिल कर करके इन सभी साथियों से अपील होगी कि आने वाले चुनाव में हमारी अपनी जगह पर रह करके हमारी मदद करने का काम करें। दूसरे डॉक्टर आर के वर्मा जो विधायक हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं कि इस लड़ाई में आप साथ देने आए हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई है जिसमें आप सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लोगों का आप सहयोग और मदद करने का काम कर रहे हैं। और मैंने कई मौकों पर कहा कि हम सब साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं, हम सब साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। और लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में सोचो, अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। और जब उन्होंने अपने आप भेज दिया है तो जनता और हम सब लोग मिलकर के पक्की उनकी विदाई कर देंगे कि दोबारा इधर लौट करके ना आए। और इसलिए भी जरूरी है कि लगातार झूठ का सहारा लिया, कितना झूठ बोला, लगातार 4.5 साल झूठ बोला और नेगेटिव पॉलिटिक्स, विभाजन की पॉलिटिक्स, नफरत की पॉलिटिक्स, आपस में लड़ाने की पॉलिटिक्स, लोगों को अलग करने की पॉलिटिक्स, तोड़ने की पॉलिटिक्स, ये राजनीति अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। मुझे खुशी है आप लोगों के साथ आने से अब एक दूसरे का साथ देकर के हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे, विकास की पॉलिटिक्स करेंगे, खुशहाली की पॉलिटिक्स करेंगे और हमारा आपका वो जो सामाजिक न्याय है वो खुशहाली वाला है, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने वाला है। इसलिए मैं कह सकता हूं ये सर्वे में हो सकता है न जाने कैसे दिखाएं, झूठे सर्वे में न जाने क्या क्या दिखाएंगे,
ये झूठे सर्वों में क्या क्या दिखाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत हम लोग सब जानते हैं। सर्वे में ये कुछ भी झूठे में दिखाएं, लेकिन सच्चाई में हम लोग जानते हैं कि जमीन पे ये कूटे जा रहे हैं और इतने कूटे जा रहे हैं कि हिम्मत नहीं पड़ रही है कि किस उपलब्धि को बताएं। इनकी कोई उपलब्धि हो तो बताएं, उपलब्धियां है नहीं। और मुझे खुशी है इस बात की कि मंत्री रह करके दारा सिंह चौहान जी ने बहुत मेहनत कर करके विभाग में जो कुछ कर सकते थे करने का प्रयास किया और लगातार कोशिश करते थे, लेकिन पता नहीं हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कैसे हैं, उन्हें पेड़ पौधों से कुछ लगाव ही नहीं है, जानवरों से कोई लगाव नहीं है, उन्हें कोई नदियों से लगाव नहीं। मुझे याद है कि जब मैं एक बार विदेश यात्रा पे गया था तो मैंने वहां जानकारी की अपने लोगों से जो जानकार थे उस देश के, कि हमारे छोटे बच्चे उनको कहां लेकर के जाऊं। उस समय जो हमारे मित्र थे उन्होंने सुलह मुझे राय मशवरा दिया कि आप जाइए और एक बहुत अच्छी सफारी बनी है वो देख करके आइए। वो लॉन्ग लीप सफारी थी जिसको मैंने देखा था अपने बच्चे और परिवार के साथ, और मैंने उसी समय मन बना लिया था कि जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी, जो नेताजी ने काम शुरू किया था उस काम को पूरा कर करके उससे भी अच्छी एक लायन और एनिमल सफारी बनाने का काम करेंगे। मुझे अच्छा लगा उस दिन जब आप मंत्री की हैसियत से उसको उद्घाटन करने गए, और अगर आप नहीं चाहते तो शायद उद्घाटन नहीं होता। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उद्घाटन ही नहीं करना चाहते थे। मैं देखता था वहां एक डायरेक्टर आया, दूसरा डायरेक्टर आया, एक तारीख दी, दूसरी तारीख दी, डायरेक्टर हट गया, दूसरा डायरेक्टर आ गया, फिर तीसरा डायरेक्टर आ गया, तारीखें बदलती रही। लेकिन इन्होंने हिम्मत करके और पूरी बहादुरी के साथ उस लायन सफारी का उद्घाटन किया, एनिमल सफारी का उद्घाटन किया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आपने नेताजी और समाजवादी पार्टी को कहा कि इन्हीं की वजह से इतनी अच्छी लाइन सफारी बनी। मुझे उसी दिन लग गया था कि अब इनको साथ लाना है, क्योंकि हम संजय चौहान जी को ला रहे थे साथ, आगे बढ़ा रहे थे। हमारे डॉक्टर संजय चौहान हैं जिनके दल को हम साथ लेकर के आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जिस दिन मैंने इटावा का वो भाषण सुना, इसने कोई कुछ कहता है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले अंग्रेजी की कहावत ही नहीं जानते। कहावत जानते भी होंगे तो डिप्रेशन में चले गए, डैमेज कंट्रोल में चले गए, तो समझ में नहीं आ रहा होगा। एक अंग्रेजी में कहावत है, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। तो हमने तभी इनको लिया अपने साथ जब हमें लाना था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग और हमारे पत्रकार साथियों, सवाल इधर उधर वाले मत करो। अंग्रेजी की कहावत है, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। हमें तो उसी दिन अच्छा लगा था कि जब आपने लाइन सफारी का उद्घाटन किया और वो काम भी आगे बढ़ाए जो कभी समाजवादियों ने काम किए थे। वर्ल्ड फेस्टिवल कौन करता है? वर्ल्ड फेस्टिवल हमारे मुख्यमंत्री जी को पता नहीं किससे प्यार है। कभी कभी तस्वीर तो आती है, हमें डर लगता है उस तस्वीर को सही मानू कि बुरा मानू या गलत मानू। कभी कभी एक तस्वीर चलती है डिजिटल प्लेटफॉर्म में, तो वो किसी को गोदी में बैठाए हुए हैं। अरे भाई जानवर क्यों बदल रहे हो? कौन किसको गोदी में बैठाए वो नहीं पूछ रहा हूं मैं। क्या नाम बदल देते हो आप लोग? इसलिए कभी कभी डर लगता है जो सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, वो सच है कि नहीं सच है, इसलिए वो आप तय कर लो। लेकिन समाजवादी सरकार ने पहली बार बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, चंबल के किनारे किया गया, और दुनिया के बड़े बड़े देशों से लोग आए, बड़ी संख्या में लोग आए, उस काम को आगे बढ़ाया आपने। लखीमपुर में भी बर्ड फेस्टिवल हुआ, लेकिन लाख प्रयास के बाद
वो वर्ल्ड फेस्टिवल दोबारा नहीं होगा। बताओ जिन्हें पेड़ पौधों से प्यार ना हो, जिन्हें अपनी नदियों को साफ करने में लगाव ना हो, जिन्हें पक्षियों से ना कोई प्यार हो, वो आखिरकार जनता से और हमारे जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनके दुख और तकलीफ कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे। और अभी मैंने देखा तस्वीरें, कैसे बेमन तस्वीरें थी वो खिचड़ी खा रहे, कितने बेमन से खिचड़ी खाई जा रही थी, खाना खाया जा रहा। उन्हें याद आ रहा होगा कि हमने शैंपू नहीं भिजवाया, साबुन नहीं भिजवाया। साबुन और शैंपू भिजवा देते तो थोड़ा सा मन ठीक होता तो खाते। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? अगर गरीब आज शैंपू साबुन से या उसके पास तेल नहीं है, खाने पीने के सामान नहीं है, कपड़े नहीं है, महंगाई है, तो आज का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार मुख्यमंत्री है, इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अगर वो संपन्न होते तो वो अच्छे कपड़ों में होते, साफ सुथरे होते और उनके साथ बैठने में उन्हें भी सम्मान लगता, क्योंकि तो जानते थे कि गरीब है, हो सकता है दो दिन तीन दिन से ना नहाया हो, परेशानी में रहा हो, वो जानता नहीं है, इसीलिए साबुन और शैंपू भिजवाए थे। और वोट के बहाने देखो वो कहानी क्या थी, बहेलिया वाली कहानी, कुछ बहेलिया वाली कहानी है जिसमें दाना डाल के पकड़ते हैं, कौन नहीं जानता ये बात। वोट के लिए देखो खिचड़ी खा रहे हैं, इसलिए हर वर्ग के लोग समझ गए हैं ये वोट के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए सब साथ आए और भाजपा की जमानत जब्त कराएं, यही हमारा निवेदन है। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं, जो हमारे मुद्दे रहे हैं कि जाति जनगणना होगी, 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करने का काम करेंगे, और उत्तर प्रदेश की जो लाभकारी योजनाएं होंगी, जो लाभकारी योजनाएं हैं जिसमें पहले भी करने का प्रयास किया था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंच गए थे पीआईएल कर करके, लेकिन समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने पिछड़ों को, दलितों को, अगर आबादी के हिसाब से भी उनको लाभकारी योजनाओं से जोड़ना पड़ा तो समाजवादी पार्टी आगे आकर के उनको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान देने का काम करेगी। देखो भाई हमें उलझाओ मत, अब भाई हमें उलझाओ मत, अरे सवाल जवाब चल रहा भाई, अरे भाई गिफ्ट मिलेगा कुछ देर में, अरे हमें मिलेगा सामान, अरे बैठ जाओ भाई, देखिए ये हमारे साथी जो बोल रहे हैं, अब मत बोलिए कुछ भी, अब हम लोग चुनाव के मैदान में चले गए, अब चुनाव से पहले हम सब जितना त्याग कर सकते थे त्याग किया, और आज भी क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारी पार्टी के लोग और हम लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, इसलिए कि हम सब लोगों को साथ लाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, और साथ लाने के लिए हम तो कहते हैं क्या करें सब लोग, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं वो भी क्या कर रहे हैं। ये लाइव रखना, ये बच्चे रही है नहीं, हम पे अफायर हो जाएगी। ये तो दोनों तरफ से जुमलेबाजी चल रही है, लेकिन चुनाव जब आता है कोई भी, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, तो जनता उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के मुद्दों को जानना चाहती है। जैसे आपने अभी 300 यूनिट बिजली देने की बात कही, हालांकि किसी को जोर का झटका भी लगा, और क्या क्या लैपटॉप आप पहले से दे रहे थे, बहुत सारी योजनाएं समाजवादी की पहले से चल रही थी, मैंने बहुत करीब से आपको देखा है, कवर किया है, लेकिन ये चीज आप बताइए कि वो कौन कौन से और मुद्दे होंगे उत्तर प्रदेश में जो जनता को और समर्पित किए जाएंगे, या पार्टी के जो समाजवादी पार्टी का जो मुद्दा होगा बिजली के अलावा, जो जाति जनगणना राजभर जी कह ही रहे हैं, एक तो मेरा ये सवाल था। दूसरा, निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण जो है एक राज्य ने दिया है सभी संस्थानों में, ये दोनों सवाल के जवाब। देखिए अभी हमारा
घोषणा पत्र आने वाला है। घोषणा पत्र में बहुत सारी बिंदु ये सब शामिल होंगी कि उत्तर प्रदेश में हम किस तरीके से जनता की सेवा करें, किस तरीके से उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाएं। और जहां तक आज हमारा चौहान समाज इतने बड़े पैमाने पर जुड़ रहा है पार्टी से, उनके तमाम ऐसे सवाल हैं, तमाम ऐसे उनके फैसले हैं जिनके पक्ष में समाजवादी पार्टी खड़ी है, उनको भी हक और सम्मान मिले उस पर समाजवादी पार्टी काम करेगी। और जहां बड़े बड़े सवाल हैं प्राइवेट को, ये स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है, ये पिछड़े और दलित तो सब समझ गए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि धीमे धीमे सब चीजें प्राइवेट कर दो। जब प्राइवेट कर दोगे तो अपने आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिया हुआ संविधान पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन होगा वैसे वैसे आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है, उससे जागरूक हो गए। केवल यही नहीं है, आप स्ट्रेटेजी देखिए, पहली सूची आती है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबसे आगे हम पिछड़ों को सीट दे रहे हैं, इस बार पिछड़े सब जागे हुए लोग। जो मुख्यमंत्री पूरे 4.5 साल ये कहता हो सबका साथ सबका विकास, फिर उतर आए वो 80-20 पर, और फिर अब इस सवाल पर उतर के आए, वो दूर न जाए। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो भर्ती हुई है उसका सामाजिक न्याय बता दीजिए, क्या किया उन्होंने सामाजिक न्याय, केवल एक जगह बता दीजिए। दूसरा AKTU जो क्राम साहब के नाम पर यूनिवर्सिटी है उसमें जो भर्ती हुई वो बताते हैं। अभी कल मैं किसी का भाषण सुन रहा था, कहा कि जो भर्तियां हो रही वो खुली छूट है भर्तियों की, इसलिए मुख्यमंत्री से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोल सकता। अब जनता ने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री झूठ बोलते थे, भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग भी उनसे दुखी है, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, तभी टिकट मांग रहे थे। जो मुख्यमंत्री टिकट मांग रहा हो उसके मन की टिकट ना मिली हो, जिसे संतों ने और गुरुओं ने कहा हो कि अगर आ गए फैजाबाद तो विदाई कर देंगे, उनकी भारतीय जनता पार्टी ने विदाई कर दी गोरखपुर भेज कर। नहीं उनसे नहीं, सवाल हम ही देंगे उनके यहां पर जवाब। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने रास्ता दिखाया उसी में बड़ी संख्या दोबारा करो जी, लगे लगे में रह के इतना नहीं जानते। इतनी प्रतिमाएं लगी बाबा साहब दो दीवा फूले भी लगी हुआ, इतनी प्रतिमाएं लगी बाबा साहब दो दीवा फूले भी लगी हुआ, और क्या चीज उनके लिए योजना बहुत बड़ी है, अभी बता दूं उनके लिए योजना है सरकार, सरकार ही योजना है। हमारे आंदोलन समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोग हैं, वो जानते हैं कि समाजवाद को खतरा है, इस देश के लोकतंत्र को खतरा है, इस देश के संविधान को खतरा है। जो समाजवादी हैं वो इस बात को पहचानते हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि बड़े पैमाने पर समाजवादियों ने स्वागत किया है दारा सिंह चौहान जी का, और हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी से लोग, और पहली बार नहीं, आप हमारे बगल में संजय चौहान जी बैठे हैं, पूरा प्रदेश घूमे, आप बताइए समाजवादी पार्टी के लोग लगातार उनके साथ खड़े होकर के उनके साथ उनके समाज में उसके आंदोलन को बढ़ाने का काम किया। अभी हमारे पास रामपाल भी आ गए हैं, बताइए यहाँ नहीं दिखाई दे रहा आपको कुछ तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। ठाकुर ये कह रहे हैं, अब आपने बाहर से, अब आपने बैन कर दिया है बाहर से लोग नहीं आएंगे,
ये जो बैन है ये सब बीजेपी स्पेसिफिक है, कांग्रेस वालों को लेंगे या सबके लिए बैन? नहीं, अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है। और अब भारतीय जनता पार्टी से मैं कहता हूँ, अपनी जिसको टिकट देना चाहो दे दो। सर अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि सपा में वो लोग आ रहे हैं जो दंगा करते हैं, भाजपा में वो लोग आ रहे हैं जो दंगा रोकते हैं। असीम अरोड़ का ये कहना है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी, लेकिन बाबा की सरकार में सब कुछ ठीक है। कौन कह रहा है ये बात? असीम अरोड़ जो आईपीएस रहे, जिन्होंने आज रिटायरमेंट लिया, टीआरएस लेकर के गए। नहीं, मैं बात समझ, दो बात कह रहे थे ना भाई, अनुराग ठाकुर अलग चीज है, असीम अरुण अलग चीज है। अनुराग ने असीम को लेकर के ही ये बात कही। अच्छा, दोनों एक साथ रहे होंगे। अनुराग ने असीम को लेकर, आप देखिए, आप उत्तर प्रदेश के पत्रकार हैं, आप उनके सवालों के चक्कर मत पड़ा करो, आप उत्तर प्रदेश की जनता का हित देखिए। जब अनुराग ठाकुर जैसे मंत्री आपसे कुछ कहें, आप उनसे पूछिए कि जिस विभाग में आप मंत्री थे या जिस विभाग में मंत्री हैं, आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया, ये बताइए पहले तो। और जो समाजवादी सरकार में जो काम करके दिखाए हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि हालांकि एक शब्द बड़ा बदनाम हो गया, ईमानदार शब्द, अगर आप बहुत निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार हैं तो एनसीआरबी का आंकड़ा निकालिए और अगली बार वो बोले तो उनके मुंह पे चिपका देना। और दूसरे एक और का एक अधिकारी, तो सोचो वर्दी में कैसे कैसे लोग छिपे हुए थे वर्दी में। यही बात तो मैं कहता हूं पहले दिन से, क्या पंचायत का चुनाव आप भूल गए? पंचायत का चुनाव जब हुआ था उत्तर प्रदेश में, मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और उसको आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की बहनों के साथ, उन माताओं के साथ क्या घटना घटी। कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर एक बहन के कपड़े फाड़ दिए जाए, एक बहन की साड़ी छीन ली जाए, और आज के समय पर वो भूले लखीमपुर में भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया? ये कहां हुआ ऐसा? और गोरखपुर कैसे भूल जाओगे आप, जहां पर एक व्यापारी को पुलिस ने मार मार के मार दिया। ये पुलिस के लोग वो थे जिन्होंने लगातार अन्याय किया, अपने सरकारी लोगों को, सरकार के लोगों को खुश करने का काम किया, और आज उन्हें इनाम मिल रहा है। जहां कहीं भी इनाम मिलेगा उनकी जमानत जब्त होगी, कहीं तो चुनाव लड़ने जाएंगे वहीं पर जमानत जब्त होगी। आप लगातार नहीं नहीं पिछले नहीं, हम प्रोग्रेसिव लोग, आप प्रोग्रेसिव बात कर रहे हैं, हम प्रोग्रेसिव, आप बात फर्क समझिए, आप पहले सवाल पूछो फिर फर्क। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अभी जितने भी लोग हैं, जो भी बातें यहाँ आ रही है, पिछड़ों दलितों और ओबीसी की आ रही है, अभी बात 80-20% की हुई थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अगड़े हैं, वो अगड़ों में भी जो गरीब है, वंचित है आर्थिक रूप से या किसी के, उनके लिए किस तरह की योजनाएं आप लाएंगे? ये पत्रकार भाई अब कुछ समझेंगे तुम अभी तक? मैंने कल भी कहा कि जब से ये लोग सब आए हैं साथ और जब से गठबंधन हुआ है, 80% लोग हमारे साथ हैं और आप जैसे लोग 20% खिलाफ हैं। मजबूत सारे बात को तो बताओ, 100 में 100 है हमारे साथ की नहीं है? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ होगी, यही फर्क था। लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं, देखिए बात को समझिए, बात को समझिए। अभी हम जानकारी कर लेंगे कि वो असली आदमी, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है चुनाव से पहले, इसके लिए तैयार रहिए आप लोग। एक मिनट, आप चुनाव से पहले तैयार रहिए, यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी का भी आ सकता है। और आप में से सब लोग जानते हो कौन भारतीय जनता पार्टी का बैठा हुआ है। क्यों पत्रकार साथ, ये बात सच है कि नहीं सच? तो ये हम सब लोग जानते हैं, इस तरह की घटनाएं
इस तरह के नाटक, इस तरह के बदनाम करने के लिए, ये तो कुछ नहीं है, इससे भी ज्यादा हुआ। देखिए तो चुनाव तो होने दो, अभी तो शुरुआत ही है। और देखिए चुनाव में टिकट के लिए ये पहली बार नहीं हुआ है। टिकट जब नहीं मिलती है और मिल जाती है तो कई कार्यालय फूके जाते हैं, पिटते हैं, बढ़िया थोड़ी जाते हैं। ये लोकतंत्र का हिस्सा है। वो अपनी जिद कर रहा है तो मैंने कहा, पुलिस से कहा कि उसे भेजो, हम देख तो नहीं ये कौन है जिसने पार्टी में काम ही ना किया हो और टिकट मांग रहा हो, और हाईलाइट होने के लिए आपने न्यूज बन जाए इसलिए कुछ डाल दिया ऊपर। नहीं ये नहीं कहूंगा मैं, नहीं ये नहीं कहूंगा। आपको हो सकता है कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन में कुछ कार्रवाई हो जाए, बाकी कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, बीजेपी में चाणक्य आने वाले थे लखनऊ में, आए नहीं? कोई चाणक्य नहीं होता, आप असली चाणक्य जनता। भाजपा के प्रचार प्रसार में गुजरात की टीम आ रही है जी, भाजपा के प्रचार प्रसार में गुजरात की टीम आ रही है। तुम यार किस प्रदेश के रहने वाले हो? एक महीने पहले आ चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग हुई लखनऊ में, और अब वो बेसिकली ट्रेनिंग का ट्रेनर हुआ है, मतलब उनको यहाँ ट्रेनर ट्रेन किया, अब वो जाकर नीचे ट्रेन करेंगे और फिर नीचे ट्रेनिंग होगी। उत्तर प्रदेश में गुजरात के लोग पहले आ गए, कौन नहीं जानता ये बात? और तुम ये बात, ये तो उत्तर प्रदेश में आए, हालांकि वो बात बहुत अलग हो जाएगी, मतलब लोग बुरा मानेंगे, हो सकता है उससे गुजरात के लोग सब कुछ ले गए आपकी अर्थव्यवस्था का, वो नहीं बोलोगे? सब अर्थव्यवस्था ले गए, वो नहीं बोलोगे? केवल ये कहो गुजरात के लोग आ गए। मैं मुझे याद है लंदन में मुझे गुजरात के सूरत का वो मिला था सभासद 2014 के चुनाव के बाद, तो मैंने कहा उत्तर प्रदेश कैसे आए थे आप? बोले हम बनारस में थे। मैंने कहा चुनाव में आपने बहुत कुछ फैलाया? उसने कहा हमने फैलाया नहीं, हमने बांटा भी है। इसलिए मैं चुनाव आयोग से कहूंगा कि ये जिस तरह के प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हमारा कोई भी कार्यकर्ता दूसरे प्रदेश का नहीं आया है, हम चुनाव आयोग को लिखकर के शिकायत करेंगे और हम अपने पत्रकार साथी से कहेंगे वो सूची हमें जरूर देना जहां तुमने गुजरात के लोगों को देखा था, गुजरात के लोगों को पाया था, जरूर चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे, जिससे प्रोटोकॉल को, कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए दूसरे प्रदेश के लोग, चाहे राजस्थान के, चाहे मध्य प्रदेश के, चाहे छत्तीसगढ़ के, चाहे किसी प्रदेश के आए हो, उन्हें वापस उनके प्रदेश भेजा जाए। सर एक सवाल ये है, लोग जो है वो तेज झड़क रहे हैं, बहुत सारे लोग कैंपेन कर्फ्यू लगाए अंदर नहीं आ पा रहे हैं, टिकट के लिए मारा मारी है, ओमिक्रॉन की लहर आएगी नहीं आएगी ये पता नहीं, लेकिन अखिलेश की लहर आ चुकी है सर, अखिलेश यादव की लहर आ चुकी है, उसी की वजह से सब लहरें आ रही है। नहीं पता लगा, देखिए कैसे रोक दिया, जहां सड़कों में हमारे साथ लाखों लाख लोग, अब क्या हो गया? हम लोग यहाँ बैठ गए, टीवी पे पहुंच गए, टीवी पे रह गए, छोटे से मोबाइल पे रह गए, नेटवर्क के भरोसे पे रह गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रह गए, और हम अपने मजबूत कार्यकर्ताओं की मेहनत पे बैठे हैं यहाँ पर। हमें उम्मीद है कि इन सबको प्रोटोकॉल को मानते हुए हमारे कार्यकर्ता गांव गांव फिजिकली काम करेंगे, ये वर्चुअल हवादारी लोगों की बैटरी खत्म हो जाएगी। अमित शाह लखनऊ क्यों नहीं आ रहे सर? भाई मैं क्या जानू कौन क्यों नहीं आ रहा था, तो ये गुजरात के लोग बता रहे इतने आ गए, और बताते हैं यही लोग बताते हैं गुजरात के लोग सब सामान ले गए यूपी का, ये भी सही बात है कि नहीं? नहीं है। अरे अखबार कौन से अखबार के होते हैं? एनडीटीवी, जेएनटीवी से, जेएनटीवी तो बीजेपी का वही है, जेएनटीवी उन्हीं का है, उनका इन्वेस्टमेंट है इसमें, बता दिया करो ना क्या है। अरे सब क्या है बीजेपी का है, अबे तुम बीजेपी के खिलाफ सवाल पूछ रहे हो, अरे नौकरी चली जाएगी। नाम भी ले लीजिए, सवाल चला गया,
कैसे पता आपको? ये आप नहीं, हम इसलिए आरोप नहीं लगाएंगे, सब अधिकारी उत्तर प्रदेश के हैं। अगर एक हाथ उधर मिला हुआ है तो एक हाथ इधर भी मिला होगा कहीं ना कहीं। क्या उत्तर प्रदेश के लिए सर? पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकारी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग है, इसीलिए निष्पक्ष चुनाव आयोग करा रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन गुजरात के लोगों को वापस नहीं भेजा तो निष्पक्ष चुनाव नहीं है। ये सच है, उसकी तस्वीर भी आप लोगों के पास होगी कि गुजरात के लोग यहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे। मैं आज ही जारी करूंगा वो सब फिल्म पिक्चर, सोशल मीडिया पे आई थी वो पिक्चरें कि गुजरात के लोगों ने यहाँ पर ट्रेनिंग ली थी, यहाँ पर अफवाहें फैलाने के लिए, साजिश करने के लिए, झूठ फैलाने के लिए, लोगों को पैसा बांटने के लिए और लोगों के बीच नफरत फैलाने के लिए। मैं आज ही चुनाव आयोग को इस बात की शिकायत करूंगा। अब वो टिकट का इंतजार कर रहे हो, कहाँ से टिकट मिले? क्या कह सकते हैं हम, तो शिकायत ही कर सकते हैं। और अगर चुनाव आयोग नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा। हमें उम्मीद है चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, गुजरात के लोगों को वापस भेजेगा। ये अधिकारियों की जिनकी शिकायत की, जिन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी के बनकर के काम किया, और जो जो अधिकारी, क्या नाम था जो अभी बीजेपी शामिल हुए, जो अधिकारी, मैं चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत करूंगा कि पिछले 5 साल में असीम अरुण के साथ जो जो अधिकारी लगातार ड्यूटी पे रहे हैं, लगातार जिन जिन अधिकारियों को ड्यूटी पर अपने साथ लेकर के गए पूरे 5 साल के नौकरी के कार्यकाल में देख करके, जो लगातार उनके साथ रहे हैं उनको भी हटाया जाए, वरना वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। मैं चुनाव आयोग से फिर शिकायत करूंगा कि ऐसे अधिकारी, अब तो उनके पास एग्जाम्पल हो गया, अभी एक एग्जाम्पल है कि एक अधिकारी किसी पार्टी से कितना रिश्ता रख सकता है, कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी है, बातचीत भी हुई होगी, टिकट के लिए तय भी हुआ है, उसके बाद भी कमिश्नर बना रहा। तो ऐसे भी अधिकारी जिन पर हमारी पास जानकारी और सूचना मिली, हम शिकायत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करेगा, और अगर चुनाव आयोग ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करेगा तो चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा होगा। हम नहीं मानेंगे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है। के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है, संजय श्रीवास्तव नाम के पत्रकार ने दायर की है, उनकी दावेदारी को निरस्त किया जाएगा। वो उस कानूनी लड़ाई में हम नहीं लड़ सकते। सर, सवाल है कि आपने कहा कि बीजेपी ने अपनी तैयारी की है, तमाम लोगों को ट्रेनिंग दी है, कुछ दिन पहले 550 सोशल मीडिया के लिए ट्रेनिंग हुई थी, जो बड़ी ट्रेनिंग थी। इसके अलावा 70% के आसपास योगी मोदी और बड़े नेताओं ने अपनी रैली कर ली चुनाव आचार संहिता लगने से पहले। क्या आपको लगता है बीजेपी की तैयारी अच्छी थी, उनका विजन अच्छा है, या कोई और वजह? तैयारी अच्छी होती तो डीएम को, एसपी को और रोडवेज की सड़कों, रोडवेज की बसों को इंतजाम नहीं करना पड़ता, पीडब्ल्यूडी विभाग को पैसा नहीं रिलीज करना पड़ता। आप मुझे उत्तर प्रदेश में बताओ एक भी रैली जिसमें कुर्सी खाली न हो। और मैं आपसे भी कहूंगा जो सवाल पूछ रहे तैयारी की, अगर आप खाली कुर्सी की फोटो दिखा दोगे या वीडियो दिखा दोगे, आपकी नौकरी उसी दिन चली जाएगी। और नहीं मानते आप दिखा दो। नहीं, जो हमारी बात थी हमने पूरी कह दी, जो हम दे सकते थे हमने कह दिया, अब उनको स्वीकार करना था, नहीं किया स्वीकार। क्या खाली कुर्सियां नहीं बीजेपी की रैलियों में, क्या नहीं बताइए? कानपुर में जब व्यापारी सम्मेलन था कितनी कुर्सी खाली थी बताइए, किसी रैली को बता दो। और मैं तो पंजाब के किसानों को बधाई दूंगा, एक भी किसान नहीं आया, पूरी कुर्सी खाली थी, पूरा मैदान खाली था। सर, असीम अरुण ने कहा है कि 5 साल में कोई अधिकारी का फोन नहीं है कि किसी जो है मुजरिम को छोड़ा जाए, क्या कहते हैं?
अब बीजेपी में रंग जाओगे तब जो कहोगे बीजेपी वो कहोगे। और सुनिए, जिस विभाग में वो थे उसमें एक अधिकारी आत्महत्या की थी, पता कर लेना, पता कर लेना। जो आर के आजम खान साहब कहेंगे और पार्टी का हमारा संगठन जो कहेगा और हमारा जो सर्वे कहेगा उसको टिकट मिलेगी। अगर आपके पास कोई सर्वे तो दे दो हमें, हमारी मदद कर दो। चुनाव के इस दौर में मोहाले पर आजम खान साहब का अनुभव और उनकी कमी को मैं महसूस कर रहा हूँ। डिजिटली है प्रोग्राम पूरा और वो साथ रहते तो और अच्छी बात थी, लेकिन इधर इधर चौहान, इधर चौहान, इधर पटेल, उधर पाल साहब, इधर चौधरी जी, उधर हमारे प्रदेश अध्यक्ष, तो बीमार हो गया। नहीं, उनके उनका रहना अच्छा, उनके ऊपर झूठे बगल में लगाया था। क्या चीज देखिए, इन बातों को देखो, क्यों इन बातों को पढ़ते हो? हिंदू बनाम हिंदू एक किताब है, अगर आप उसका एक पैराग्राफ पढ़ लोगे तो पूरी भारत की राजनीति को समझ जाएंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पूरी जातिवाद व्यवस्था के खिलाफ थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जाति और इस तरह के भेदभाव के खिलाफ थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के खिलाफ थे, नेताजी से लेकर के जितने समाजवादी लोग, वो जनेश्वर मिश्री का भाषण सुनिए जो वो कभी कभी कहते थे अपने भाषणों में, तो ये कोई नया नहीं है, ये अपमानित करने के लिए उन्होंने खाया है। अखिलेश जी, कल अब्दुल्ला की रिहाई हुई है, अब्दुल्ला को क्या टिकट मिलेगा रामपुर के विधायक रहने के बाद? झटका लगा है, कोई बयान नहीं आया। कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं लोग, देखना उस षड्यंत्र आएगा इसके बाद।